हेलो एवरीवन, यहाँ पे आज की रीडिंग है, गीता टैरो से लिया गया है। यहाँ पे कृष्णा के कुछ ऐसे उपदेश हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं, मैसेज हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए। और इन वाक्यों में आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी हाँ या ना में मिल सकता है गाइज। तो यहाँ पे तीन मैसेज होंगे, तीन में से फर्स्ट मैसेज, सेकंड मैसेज और थर्ड मैसेज, इन तीनों में से कोई एक आप चुन लीजिएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में मिलेगा गाइज। उपदेश के साथ साथ ये आंसर जो होगा यस या नो में भी होगा। ये बहुत ही यूनिक रीडिंग है गाइज। यहाँ पे कृष्णा पहला फाइल जिन्होंने चुना है, यहाँ पे कृष्णा और अर्जुन का संवाद हो रहा है। वो अर्जुन से कह रहे हैं कि इस युद्ध में लड़ो, क्यों ये स्वर्ग के मार्ग खोलने जैसा है। ये मौका बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, अर्थात द्वंद्व छोड़ो, युद्ध करो। यहाँ पे कृष्णा ये मैसेज देना चाह रहे हैं गाइस कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, विषम परिस्थितियाँ हों, लेकिन आपको अच्छा कर्म करना है, सच्चा कर्म करना है। बहुत ये कर्म जो है बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है, अर्थात मन में जो आपके दुविधा है, आप जो स्टक स्थिति में हैं, जो आप सोचने विचारने में अधिक समय लेते हैं, वो छोड़िए, बल्कि आप अपने लिए सही कर्म चुनिए, सही राह चुनेंगे तो आपका भला होगा, आपका अच्छा होगा। और आपने जो भी प्रश्न सोचा होगा मन में उसका आंसर यस में होगा गाइस। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, यहाँ पे भी अर्जुन और कृष्ण का संवाद चल रहा है। कृष्णा अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो बहुत ज़्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाना खाता है, जो बहुत सोता है या कम सोता है, यह योग उनके लिए नहीं है, क्योंकि योग इतना आसान नहीं है। योग का जो रास्ता चुनता है गाइस, भक्ति मार्ग बहुत आसान होता है। आप सच्चे और अच्छे ईमानदारी से भक्ति मार्ग को चुन सकते हैं, सगुण मार्ग को चुन सकते हैं, लेकिन योग की जो भक्ति होती है, जो योग होता है, उसका रास्ता बहुत कठिन होता है गाइस। वो सब लोगों की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि योग उसी को मिलता है जो उसके लायक होता है, जो उसको कर पाता है, निभा पाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है गाइस कि कृष्णा कहना चाह रहे हैं कि योग से अच्छा है कि तुम भक्ति मार्ग को चुनो। भक्ति मार्ग से ही आपका जो रास्ता रहेगा वो बहुत ही सरल और आसान रास्ता है, भगवान तक पहुँचने का, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता जो है बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जो योग का रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है। उसको करने के लिए उतना ही शक्ति चाहिए, उतना ही सब्र चाहिए, उतना ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, तब जाके आपको योग का रास्ता मिलेगा गाइज। और सबसे सरल और ईश्वर को पाने का, भक्ति को पाने का सबसे इजी तरीका जो होता है वो भक्ति मार्ग होता है। और भक्ति मार्ग से आप बहुत ही सरलता से ईश्वर को पा सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्निंग जो है आप पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इन रीडिंग पर जो सेकंड ऑप्शन चुना है, आपने जो भी प्रश्न पूछा है उसका आंसर नो में है गाइज। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन चुना है, देखते हैं यहाँ पे कृष्णा क्या बोलना चाह रहे हैं। अपेक्षा के बिना, यानी बिना मतलब के काम करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है, बल्कि मार्ग प्रशस्त होता है। जन्म और मृत्यु का डर छोड़कर कार्यवाही या कार्य अनुशासन से करना चाहिए। यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं गाइस कि देखिए, निस्वार्थ होके अगर कोई भी काम करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बड़ा आपका नुकसान नहीं होने वाला है। निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो सामने वाला समझेगा नहीं समझेगा उसका प्रॉब्लम है। हम जो भी काम कर रहे हैं
वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, बिना मतलब से ये बिना स्वार्थ के कर रहे हैं, तो उसका फल हमको अच्छा ही मिलेगा, भले थोड़ा देरी से मिले लेकिन मिलेगा ज़रूर। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको जन्म और मृत्यु का डर छोड़कर, जड़ यानी वो सब की दुविधा परिस्थितियाँ, विषम परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ, संघर्षों को झेलते हुए, छोड़ते हुए तुम अनुशासन से अपने अच्छे कर्म पर डटे रहो। अच्छे कर्म करते रहोगे तो तुम्हें आने वाले समय में सक्सेस जरूर से ज़रूर मिलेगा। यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर हाँ में है।